बजट पर कप्तान यूके देवनाथ बोले, उतना चाहिए जिससे दुश्मन के खिलाफ तैयार हो सके। 2023-24 के बजट सत्र में डिफेंस बजट को लेकर कप्तान यूके देवनाथ ने कहा, डिफेंस बजट उतना होना चाहिए कि हम दुश्मन के खिलाफ तैयार कर सके। धनबाद के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, अब तक 14 लोगों की मौत। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। पीएमओ ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। धमकी देने वालों पर भड़के स्वामी प्रसाद, कहा धर्म का चादर ओढ़कर धर्माचार्य नहीं हो सकते। रामचरित मानस पर दिए गए विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, देश की महिलाओं के सम्मान की बात करना संविधान विरोधी बात नहीं है। संसद पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, 5वीं बार पेश करेंगी बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट आज पेश किया जा रहा है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने राजकोषीय घाटे को कम करने और विकास को बढ़ावा देने की चुनौतियां हैं। बजट 2023 की कॉपियां पहुंची संसद भवन, स्थिति पर डॉक्स ने की कॉपियों की सुरक्षा जांच। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5वीं बार लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।